अच्छा, तो सर आज के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्किल अवार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, खुशी की बात है, दूसरा पीसा अवार्ड हो रहा है और हम सब बहुत खुश हैं और कोविड के बाद है ये तो जी अच्छी बात है। इंशाल्लाह आप देखते हैं अवार्ड कैसा होता है, पहले वाला तो काफ़ी अच्छा था जी, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इस किस्म के जो अवार्ड की जो तकरीबात होती हैं यहाँ पर दुबई में, इससे हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि वो फ्लाइट पकड़ के आते हैं यहाँ, एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये बेनिफिट होता है। क्या उनको खुशी होती है? थोड़ा बताएं। ऑब्वियसली देखे ना, एक एक्टर को जब आप बोलते हैं कि आपके पास आपका ये टिकट है, ये होटल है और ये दोनों फ्री हैं और आप दुबई जा रहे हैं, तो उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी फिर आपके। सर ये जैसे कि आप माशा पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उसके हवाले से बताएं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जॉइंट प्रोडक्शन होती रहनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट इस वक्त पॉलिटिकली हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, ऑब्वियसली इस वक्त तो बंद ही है, बट होना चाहिए, यस व्हाई नॉट। ठीक है सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जॉइंट प्रोडक्शन के हवाले से? मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दोनों मुल्कों की अगर पॉपुलेशन इकट्ठी कर लें तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है जी, और अगर क्रॉस एक्सचेंज हो आर्टिस्ट की जी, तो उसमें दोनों मुल्कों को फ़ायदा भी है, लोग खुशी से देखेंगे भी और उसमें प्यार भी बढ़ेगा लोगों का। देखा गया कि पाकिस्तान तुर्की के साथ जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है, सही सर? तो जबकि इंडिया और पाकिस्तान की लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर सेम है, खाना पीना सेम है, तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए भाई, आप उनको बोले, उनसे पूछे कि वो क्यों नहीं कर रहे, हम तो तैयार हैं। और तुर्की की जॉइंट प्रोडक्शन जो चल रही है वो तो बहुत 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 खुशी की बात है, तुर्की के ड्रामे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तान में और तुर्की के एक्टर आ रहे हैं, इस वक्त एक ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में है प्राइम मिनिस्टर, और इसमें जो क्रेडिट है इमरान खान को जाता है, इमरान खान साहब ने वहाँ अर्तगल ड्रामे को उर्दू में डब करवा के पाकिस्तान से रोशनास करवाया और उसकी पॉपुलैरिटी हुई और उसके बाद दूसरे ड्रामे आने शुरू हुए और अब एक को प्रोडक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर शुरू हो रही है और वो भी इसी तरह का ड्रामा होगा, बहुत अच्छा होगा और हमारे रिलेशन टर्की के साथ बहुत अच्छे, इजंट इट, ये कितनी अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब की। बिल्कुल हाँ, और ड्रामा भी बहुत ही अच्छा है वो। यस सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ठीक है उर्दू में उसको डब करा के को पाकिस्तानी आवाम को दिखा दिया, उससे तो तुर्की के आर्टिस्ट प्रमोट हो गए, क्या पाकिस्तान के आर्टिस्ट वहाँ पर प्रमोट होंगे, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? तो वो तो अभी ड्रामा बन रहा है ना सलाउद्दीन यूबी पर, वो ड्रामा बन रहा है, उसमें पाकिस्तानी एक्टर भी हैं और वो टर्किश एक्टर भी हैं और वो टर्किश में डब होके वहाँ पर चलेगा, तो बहुत अच्छी बात। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये ट्रांसलेट होगा ये? यस इंशाल्लाह, और ये वहाँ पर झंडे गाड़ेगा। चले इंशाल्लाह, थैंक यू, आई होप, थैंक यू।